सुखदेव दादा जब मौजूद थे तब उनमें खुद तो कमियां निकाली जाती थी, खूब उनको ऊंचा नीचा देखा जाता था, और कैसे हैं वैसे हैं। आज जाने के बाद उनकी नगीने की कीमत पता लग रही है। जब कालवी साहब यहाँ मौजूद थे तो सुखदेव दादा को पकड़ने के लिए जयपुर में राजपूत सभा भवन में भी प्रशासन और सरकार आई थी। एक बार कालवी साहब मौजूद थे वहाँ पे, और लोटवाड़ा जी थे सभा भवन के अध्यक्ष लोटवाड़ा जी, और सभा भवन की कार्यकारिणी वहाँ थी, करणी सेना वहाँ थी। तो एक समाज ने, एक संगठन ने एकता दिखाई वहाँ, मजबूत दिखाई। उसी एकता और मजबूती की वो रिजल्ट आया कि प्रशासन और सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि विधानसभा के अंदर, राजपूत सभा भवन के अंदर घुस के सुखदेव दादा को पकड़ के बाहर ले जाएं। और क्योंकि उस टाइम राजपूत सभा एक थी, संगठन एक था, करनी सेना में एकता थी, तो कलयुग में कहते भी हैं कि संगठन में ताकत होती है कलयुग में। तो सब ने, जितनी भी संस्थाएं थी, उन्होंने एकता दिखाई, और उसका सुखदेव दादा को वहां से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर लेके जाए। और अब ये दिन है कि बहुत दुखद का दिन था अभी, कि उनके घर में घुस के उनको, हथियारों को मारा गया है। तो सब मिलके ये तय करें, समाज ये विचार करे, सर्व समाज ये विचार करे कि जब अपने आदमी, जब वो मौजूद होता है उस टाइम उसकी परख हो। मतलब अपने को कोयले की परख करने की जरूरत है, ना कि वो नगीना बन जाए उसके बाद। नगीना बन जाए, अपना एक नगीना यहां से टूट के चला गया, एक अपनी एक माला थी हीरों की, नगीने की, समाज की, उसमें से सुखदेव दादा एक टूट के बिखर के चले गए। तो समाज ये, सर्व समाज ये तय करे कि अपने जो समाज के नगीने मौजूद हैं आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा में, दूसरे प्रदेश में, आज ब्रिजभूषण जी भी आए, आनंद मोहन जी भी पधारे बिहार से, उनके साथ में और विधायक आए, उनका परिवार आया, तो समाज ये तय करे कि भी अपन उस कोयले की परख करें पहले, तो फिर उस नगीने की, उसकी हिफाजत करें। और वो नगीना जब समाज की बात करता है तो उसके साथ कंधे से कंधा मिला के अपन लोग खड़े हुए। और सुखदेव दादा जब मौजूद थे तब उनमें खुद तो कमियां निकाली जाती थी, खूब उनको ऊंचा नीचा देखा जाता था, और कैसे हैं वैसे हैं। आज जाने के बाद उनकी नगीने की कीमत पता लग रही है। आज यहाँ पे 500 सुखदेव गोगा मेढ़ी बना के गए, हजारों लाखों गोगा मेढ़ी बना के गए। तो मेरा तो यही आग्रह है कि आप लोग परख पहले करो उस समाज के नगीने की, समाज के जो काला कोयला होता है, जो निखर के समाज इतने तप से वो बनता है। सुखदेव दादा गोमगांव मेढ़ी को भी 15 साल लगे, इतने साल करनी सेना के संगठन को लगे, कालवी साहब ने बनाया है। तो वापस से एकता दिखाने की जरूरत है, और एकता में ही कलयुग में ताकत है। और आज 12वें का दिन है, शोक का दिन है, तो 12वें और शोक में भी गरिमा बनाई जाए। यहाँ पे कोई अपन कुछ अपने मान मर्यादा अपन यहाँ पे तोड़े नहीं, वो भी एक अपन यहाँ पे कोई नया चलन चालू नहीं कर दें कि साहब 12वें में ये वहाँ फलानी जगह पे ये चीज़ें हो गई। तो वो भी यहाँ पे जो आप लोग, इसको परिवार के लोग हैं, मंच को जो चला रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी भी है, या समाज के लोग, बड़े लोग बैठे हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि कोई एक नया चलन चालू नहीं हो कि 12वें में शोक की सभा है, कुछ यहाँ पे इसको एक राजनीतिक तौर पे, एक मंच के संचालन के तौर पे नहीं देखा जाए, एक यहाँ पे इसको एक शोक सभा के तौर पे ही हो, ताकि एक नया एक चलन नहीं हो, कल को अपने को कहीं बुरा भला दुनिया बोलेगी और वो बुरा भला पूरा मुंह काला पूरी जिंदगी भर सुनना पड़ेगा, बरसों निकल जाएंगे और उसी का एग्जाम्पल दिया जाएगा कि सब फलानी जगह ये हो गया था। यहाँ पे भी नहीं हो, कोई दूसरी सभाएं हो, सभा सभा की तरह मनाई जाए, उसको एक एक मौका और एक
एक मौका नहीं दिया ढूंढा जाए, कि अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढी जाए कि साहब बारहवें को हमको सुखदेव जी के हमको मौका मिला बारहवें का, उसको हम कैसे भूने। तो यहाँ पे समाज की एकता दिखे। मनोज दादा न्यांगली ने भी बोला कि वो भी तैयार हैं, सर्व समाज के लोग तैयार हैं। तो ऐसे हीरे नगीने को अपन पहचाने, उनकी बात सुने और उनकी एकता अपन रखते हुए सर्व समाज की अपन बात करें। जय माता दी।